अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज आन रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास सेवन बच्चों आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर ट्वेंटी दैट इज अबाउट ह्यूमन राइट्स तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन राइट्स वी ऑल एक्सपेक्ट सर्टन ह्यूमन राइट्स सबसे पहले तो ये कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं ह्यूमन राइट्स हम कहते हैं इंसानी हकूक़ को हकूक यानी कि जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए जो राइट्स हमें मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट की तरफ से या घर वालों की तरफ से इन सब को हम कहते हैं हकूक हकूक के ऑपोजिट में आ जाते हैं आपके फ़रज़ यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो काम आपको करने होते हैं बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट यानी कि ह्यूम को क्या क्या राइट हासिल होते हैं वी एक्सपेक्ट पनिशमेंट्स फॉर दो कमिट क्राइम्स अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई किसी किस्म का जुर्म करे कोई क्राइम करे तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमारे घर में चोरी होती है तो फिर हम अपनी स्टेट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस चोर को उसकी चोरी की सजा दी जाए यानी कि ये हमारा राइट right है ये हमारा हक है कि उस चोर को उसकी सजा दी जाए टू बी एबल टू गेट एजुकेशन ये हमारा राइट right है कि हम एजुकेशन हासिल कर सकें यानी हमारी गवर्नमेंट या हमारी स्टेट की तरफ से हमें ये फायदा हासिल होना चाहिए कि हम तालीम हासिल कर सकें एजुकेशन को इतना अवेलेबल होना चाहिए कि कोई भी एजुकेशन हासिल कर सके गरीब या अमीर सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीरों के बच्चे तालीम हासिल कर लें और गरीबों के बच्चे रह जाएं। यानी कि बीइंग अ ह्यूमन ये हर किसी का हक है कि वो एजुकेशन हासिल कर सके टू बी एबल टू थिंक एंड स्पीक वॉट वी लाइक बच्चों अब आजकल तो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात होती है जैसे हम नॉर्मली कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वो भी यही कह रहा है कि ये हमारा राइट है कि अगर हम किसी टॉपिक पर बात करना चाहें या किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहें या डिस्कशन करना चाहें तो हमें ये आज़ादी हासिल होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ बातें करने की इजाज़त हो और आपको कुछ बातें करने की इजाज़त ना हो टू हैव अ फेयर एंड ओपन ट्रायल ये भी आपका हक होता है कि अगर आप किसी मुश्किल में फंस भी गए हो अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो फिर आपका फेयर और ओपन ट्रायल हो यानी आपको ये मौका दिया जाए कि आप अपने डिफेंस में कुछ बता सको हो सकता है आपसे जो गलती हुई हो, हो वो जल्दी में हो गई हो या आपकी कोई मजबूरी रही हो तो आपको ये मौका दिया जाना चाहिए कि आप अपनी वो मजबूरी बता सको या आप ये बता सको कि आपसे गलती आखिर क्यों हुई इससे पहले हमने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बच्चों ये भी याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जब आपको दिया जाए तो इस बात का ख्याल रखना कि आप कोई ऐसी बात ना करो जो किसी का दिल दुखाए या किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए या किसी इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप पर आती है अगर आपको ये हक दिया जाता है कि आप कुछ भी बोलो किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करो तो फिर ये आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप सोच समझ कर बोलोगे और कोई ऐसी बात नहीं करोगे जो किसी के लिए नुकसानदेह साबित हो ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द पास्ट डिड नॉट देम अब हमने जिन राइट्स की बात की है और इसके अलावा भी कई राइट्स जो आजकल हम इंजॉय करते हैं इनमें से बहुत से राइट्स पहले लोगों को हासिल नहीं हुआ करते थे यानी कि अगर आप कुछ साल पहले की बात कर लो तो इनमें से बहुत सी बातें हैं जिनकी इजाज़त नहीं हुआ करती थी जैसे आपको ओपनली डिस्कशन करने की इजाज़त नहीं थी आपको कोई भी बात अपनी मर्ज़ी से कर देने की इजाज़त नहीं थी कुछ बातें थी कुछ ऐसे डिस्कशन टॉपिक्स थे जिनसे आपको रोक दिया जाता था आपकी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आपकी स्टेट की तरफ से डू यू थिंक देयर आर अदर राइट टू अचीव अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी ऐसे कुछ राइट्स हैं जो अभी तक लोगों को मिलने हैं तो बच्चों देखा जाए तो बहुत से राइट्स आजकल लोगों को हासिल हैं। लेकिन जिस चीज़ पर एक्चुअली काम होना चाहिए वो ये है कि इन राइट्स की अवेलेबिलिटी क्या लोगों को ये राइट्स मिल रहे हैं यानी कि हमें ये राइट हासिल है कि हम एजुकेशन हासिल करें सारे लोगों के बच्चे पढ़ें लेकिन क्या इस चीज़ पर अमल किया जा रहा है तो जिस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है वो एक्चुअली ये है कि हमारी गवर्नमेंट या हमारी स्टेट इस बात को कंफर्म करे कि हमें जो राइट्स हासिल हैं वो क्या हमें दिए जा रहे हैं? राइट्स तो बहुत से लिखे हुए हैं बहुत से चार्टर्स हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन हैं। लेकिन क्या उन सब पर काम हो रहा है क्या उन सब पर अमल हो रहा है इसके अलावा कई राइट्स आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं जैसे पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि बच्चों की प्रोटेक्शन को लेकर भी बहुत से राइट्स आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ राइट्स बनाए जाते हैं लोगों को बताया जाता है कि ये अब स्पेसिफिक राइट्स हैं जो आपको गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से हासिल हैं डू चिल्ड्रन राइट्स अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या बच्चों को कोई खास हकूक हासिल होते हैं तो ऐसा बिल्कुल है चिल्ड्रन हैव गॉट राइट टू शेल्टर टू फूड टू प्रोटेक्शन यानी कि ये बच्चों का हक है कि उनकी हिफाजत की जाए उन्हें खाने पीने को दिया जाए उन्हें तालीम दी जाए और इसके अलावा उन्हें रहने के लिए कोई छत मुहैया की जाए ये सारे राइट्स बच्चों के हैं इसके अलावा आपने सुना होगा चाइल्ड लेबर के बारे में यानी छोटी उम्र के बच्चों से काम करवाना इस चीज़ की इजाज़त नहीं है ऑल दो आप अक्सर देखते होगे कि आपकी एज के बच्चे भी काम कर रहे होंगे लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि चिल्ड्रन हैव गॉट राइट टू एजुकेशन और चाइल्ड लेबर से सख्ती से मना किया गया है बट अगेन हमारी स्टेट और हमारी गवर्नमेंट फिल वक्त इस फील्ड में ज़्यादा काम नहीं कर सकी और चाइल्ड लेबर को नहीं रोक सकी आर देर एनी राइट्स दैट मैन हैव एंड वुमेन डो नाट है अब दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हॉट टॉपिक कि क्या कोई ऐसे राइट्स हैं जो मर्दों को हासिल होते हैं लेकिन औरतों को हासिल नहीं होते तो ऐसे कुछ राइट्स हैं जो आजकल के दौर में काफ़ी डिस्कशन टॉपिक बने हुए हैं जैसे कि कुछ फर्म्स में अगर कोई लेडीज़ काम कर रही हैं और देर आर फीमेल्स तो उनकी जो इनकम है जो सैलरी है वो एज कंपेयर टू मेल्स कम रखी जाती है इस टॉपिक पर बहुत बहस भी हो चुकी है और इस फील्ड में काम भी हो रहा है बट स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड

यानी कि जो लोग सोसाइटी में काम करते थे अब जो पहला ग्रुप था यानी कि नोबल्स का जिसमें किंग्स रूलर्स लीडर्स आ जाते थे दे ओनली फॉर्म्ड थ्री टू फाइव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि पूरी पॉपुलेशन में से ओनली थ्री टू फाइव परसेंट ऑफ पीपल वर नोबल्स रूलर्स केम फ्रॉम स्मॉल ग्रुप ऑफ नोबल्स तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नोबल्स में कौन से लोग आते थे रूलर्स लीडर्स दे मेड लॉज एज अब मसला ये था कि जो लॉज थे या रूल्स थे वो नोबल्स बनाते थे यानी कि जो सबसे पहला ग्रुप था नोबल्स का वो लॉज या रूल्स बनाया करते थे एंड दे इंक्लूडेड किंग्स रूलर्स एंड लीडर्स लेकिन मसला ये था कि लॉस सिर्फ वही बनाते थे बाकी के लोग जैसा कि मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स जैसा कि वर्कर्स ऑर्डनरी पीपल इन लोगों को कोई भी लॉ बनाने से पहले या कोई भी रूल बनाने से पहले कंसल्ट नहीं किया जाता था अगर आप कोई रूल या लॉ बना रहे हो तो आपको लोगों से भी तो पूछना है ना क्या लोग इस बात पर राज़ी हैं कि उनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल या कोई स्पेसिफिक लॉ बनाया जाए उसके बाद लॉ बनाया जाना चाहिए लेकिन जो नोबल्स रूल्स या लॉस पास करते थे वो सिर्फ आपस में डिस्कशन करके पास कर देते थे और निचले तबके से पूछा नहीं जाता था उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ रूलर्स की जैसे कि अशोका, जिन्होंने लोगों के राइट्स के लिए लोगों के फ्रीडम के लिए थोड़ा बहुत काम किया यानी कि अशोका हुआ अ मोरियन एम्प्रर उसने ये कोशिश की कि वो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करे और उसने बहुत से काम किए भी उसने रेस्ट हाउसेज़ बनवाए उसने कई औरफनेजेज़ बनवाए जहाँ पे यतीम बच्चे रह सकें उसने ओल्ड होम्स बनवाए जहाँ पे बूढ़े लोग रह सकें इसके अलावा वो बाकी सब रिलिजन्स की भी बहुत रिस्पेक्ट करता था ही वो अ बुद्धिस्ट लेकिन उसके बावजूद वो बाकी रिलिजन्स की भी रिस्पेक्ट करता था ही गेव मनी फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू जयनिज्म यानी कि बाकी रिलिजन के लोगों की मदद भी करता था उसने एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल्स खुलवाए और अपने लोगों के लिए भी और एज अ स्टाफ उसने रखा मॉन्क्स को इसके अलावा भी उसने अपने लोगों के लिए बहुत से काम किए बट दीज वर द राइट एट दीपल पीपल्टेड बट अगेन अशोक वॉज अ रूलर वॉज एम्प्र उसने अपने लोगों के लिए जो भी काम किया दैट इज एप्रिशिएटेबल नो डाउट लेकिन उसके बावजूद उसने अपने लोगों से नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी आवाम के लिए जो काम कर रहे होते हो वो ठीक है लेकिन आपकी आवाम की जो डिमांड है वो उससे ज्यादा होती है यानी कि आपके लोगों की जरूरतें उस काम से ज्यादा होती हैं, उनके ज्यादा मसाइल होते हैं तो होना ये चाहिए कि आप सिर्फ अकेले कोई डिसीजन ना लो बल्कि आप लोगों से भी पूछो कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं उनके क्या मसाइल हैं। उसके बाद आप कोई रूल बनाओ या कोई लॉ पास करो अब हम बात कर लेते हैं बुधा की ही वॉज अ प्रिंस जो अपने पैलेस से बाहर निकल आया क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि आखिर लोग इतनी तकलीफ़ में क्यों मुबतला होते हैं तो उसको पता चला कि लोगों को इसलिए तकलीफ़ उठानी पड़ती है क्योंकि वो इग्नोरेंट होते हैं यानी उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता ज़्यादा तालीम नहीं होती और इसके अलावा दे आर ग्रीडी यानी कि वो लालच करते हैं वो पैसे के पीछे शोहरत के पीछे इन चीज़ों के पीछे भागते हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी मुश्किल होती चली जाती है लाइफ ऑफ ordinary पीपल बुधा ने भी ordinary पीपल यानी आम की जिंदगी बेहतर करने की बहुत कोशिश की लेकिन बात फिर वही आ गई कि उसने भी वो किया जो उसको ठीक लगा उसने अपने लोगों से पूछने की कोशिश नहीं की कि वो क्या चाहते थे In ancient Greece,

सिवाय कुछ रिलीजियस सेरेमनीज अटेंड करने के यानी कि अगर कोई मजहबी फंक्शन है कोई मजहबी त्यौहार है तो वो उनको अटेंड करने की इजाजत थी लेकिन उसके अलावा उनको घर से निकलने की इजाजत नहीं थी all बट काउंसिल अब ordinary citizens, यानी कि हम जैसे आम लोगों को इकट्ठे होकर डिस्कशन करने की इजाजत थी लेकिन अगर कोई रूल बनना होता था या कोई लॉ पास होना होता था तो वो फिर एक काउंसिल ही डिसाइड करती थी कि क्या रूल बनाया जाए या क्या लॉ पास किया जाए काउंसिल लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसीजंस अगेन लोगों से कंसल्ट नहीं किया जाता था कि लोग क्या चाहते हैं इन एंशियंट रोम किल अ स्लेव फॉर एनी एक्सक्यूज पहले हमने बात की एंशियन ग्रीस की अब हम बात कर लेते हैं एंशंट रोम की तो एंशियंट रोम में गुलामों को बिल्कुल कोई हकूक हासिल नहीं थे यानी कि अगर किसी ग़ुलाम ने कोई छोटी मोटी गलती भी कर दी है तो उसके मास्टर को ये इजाज़त थी कि वो अपने उस स्लेव को मार सकता है और कई बार मास्टर्स विदाउट एनी रीज़न अपने स्लेव्स को मार दिया करते थे क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं था कोई उनको नहीं कह सकता था कि आपने एक इंसान की जान वजह क्यों ली उस वक्त राइट्स पर इतना काम नहीं हुआ था इसलिए मास्टर्स को कुछ भी नहीं कहा जाता था वुमेन मोर फ्रीडम नो लीगल पावर्स और उस वक्त की जो औरतें थी यानी कि एंशियंट रोम में जो औरतें थी उनके पास एज कंपेयर टू एंशियन ग्रीस ज्यादा हकूक थे लेकिन स्टिल दे डू नॉट एनी लीगल पार्स जैसा कि आप कह सकते हो वोट डालना या किसी डिसीजन में अपना हिस्सा डालना इस चीज की इजाजत उनको नहीं थी किसी डॉक्यूमेंट को क्लेम करना या फिर किसी भी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगना ये सब राइट्स उनको हासिल नहीं थे मैन डोमिनेटेड द होल सोसाइटी यानी कि जो मर्द थे वो ही हुकूमत किया करते थे वही डिसीजन लिया करते थे वही घर चलाया करते थे और सोसाइटी में होता वही था जो उस वक्त के मर्द चाहते थे बाइबल एंड कुरान नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टू होली बुक्स दैट इज बाइबल एंड कुरान वी लर्न अबाउट एंशियन पीपल प्रॉफिट एंड द दे प्रीच्ड अब बाइबल और कुरान पढ़ने से हमें बहुत सी बातें पता लगती हैं हमें पता लगता है कि पहले के लोग किस तरह रहते थे कि पहले के प्रोफिट्स ने क्या क्या कहा और ह्यूमन राइट्स के बारे में बाइबल और कुरान ने क्या कहा है ऑल फेथ्स एक्सेप्टेड बाय द पुअर एंड ओप्रेस्ट एज ऑल टॉक अबाउट एंड वीक अब जितने भी मज़ाहब हैं वो सब इस बात पर जोर डालते हैं कि आपकी सोसाइटी के जो गरीब लोग हैं या वीक लोग हैं या पुअर एंड वीक उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए तकरीबन ये सारे फेस इस बात पर जोर डालते हैं और इसीलिए अगर कोई ऐसा मजहब आता है जो गरीबों के हकूक के बारे में बात करता है तो वो सबसे पहले गरीबों में ही एक्सेप्ट किया जाता है फॉर एन एग्जाम्पल आप यूं समझ लो कि अगर आपसे अपर एक क्लास है और आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हो कोई शख्स आता है जो लोअर क्लास के राइट्स के बारे में बात करता है तो ऑबली आप उस रिलीजन को या उस फेथ को या उस शख्स की बातों को एक्सेप्ट करने में अपनी आफियत समझोगे इसीलिए ये लिखा है कि ज्यादातर जो मज़ाहब थे वो सबसे पहले एक्सेप्ट किए जाते थे लोअर क्लास से वीक एंड ऑप्रेस से तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मजीद कुछ ह्यूमन राइट्स की अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़